दुनिया तक पर टॉप फाइव में देखिए। पाकिस्तान में इमरान खान को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान की ऊपरी सदन सीनेट की 37 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। इसके नतीजों में सत्ताधारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर रही। लेकिन सीनेट चुनाव में इस्लामाबाद से प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अब्दुल हाफिज शेख को शिकस्त खानी पड़ी है। इमरान के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर शेख को पीपीपी के टिकट पर चुनाव लड़े पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने हरा दिया। इस्लामाबाद सीट पर डॉक्टर शेख की हार को प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। इमरान खान ने खुद भी डॉक्टर शेख के लिए चुनाव प्रचार किया था। चुनाव नतीजों से गदगद पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया और कहा कि लोकतंत्र सबसे अच्छा बदला है। म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ बुधवार को प्रदर्शन के दौरान सैन्य शासकों के इशारे पर जमकर गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी में लगभग 40 लोगों की मौत हो गई। म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ बुधवार को प्रदर्शन के दौरान सैन्य शासकों के इशारे पर जमकर गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी में लगभग 40 लोगों की मौत हो गई है। म्यांमार में संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत क्रिस्टीन ट्रानेर बर्गनर ने इसे तख्ता पलट के बाद सबसे बड़ा खूनी दिन बताया है। क्रिस्टीन ने कहा, 1 फरवरी को तख्ता पलट होने के बाद आज सबसे बड़ा खूनी दिन है। केवल आज ही 38 लोगों की मौत हो गई। तख्ता पलट के बाद से अब तक म्यांमार में 50 से अधिक लोकतंत्र समर्थकों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब से बात की और द्विपक्षीय क्षेत्रीय मुद्दों के साथ ही संयुक्त राष्ट्र के मुद्दे पर चर्चा की। इस बैठक के बाद एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री से बात कर अच्छा लगा। हमने अपने द्विपक्षीय मुद्दों की समीक्षा की। आपको बता दें कि भारत और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों की बातचीत ऐसे समय हुई है जब ब्रिटिश संसद से भारत के किसान आंदोलन के समर्थन में आवाजें उठी थीं। ब्रिटेन की संसद में भारतीय मूल के सांसद तनमनजीत सिंह घेसी ने इसी दौरान एक ट्वीट किया और कहा कि भारतीय अपने 18 मिलियन के डायस्पोरा को अपने काम से काम रखने को कह रहे हैं। SpaceX का स्टारशिप SN10 एक बड़े हादसे का शिकार हो गया है। ये स्टारशिप हवा में सफलता से टेक ऑफ हुआ था। इसने हवा में कलाबाजियां भी दिखाई। सफलता से स्टारशिप SN10 जमीन पर वापस भी आ गया, लेकिन जमीन पर उतरने के कुछ समय बाद ही उसमें धमाका हो गया। SpaceX का स्टारशिप SN10 हवा में कलाबाजियां दिखाने वाला पहला स्टारशिप प्रोटोटाइप था। SpaceX ने अभी तक इस धमाके का कारण साफ नहीं किया है। पाकिस्तान, नाइजीरिया और इंडोनेशिया को कोवैक्स स्कीम का सबसे बड़ा फायदा होने जा रहा है। पाकिस्तान, नाइजीरिया और इंडोनेशिया तीनों ही देशों को जून से पहले कोविड-19 वैक्सीन की 10-10 मिलियन की डोज मिलेंगी। गरीब देशों के लिए कोरोना वैक्सीन की सहायता करने वाली कोवैक्स स्कीम में 238.2 मिलियन कोरोना वैक्सीन डोज मई के अंत तक बांटी जाएंगी। उधर एक नई रिसर्च में पता चला है कि कोविड-19 के संक्रमण से दिल की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचता है। इसी के साथ ही पूरी दुनिया में कोविड-19 से संक्रमित होने वालों का आंकड़ा बढ़कर 11,57,65,400 के पार पहुंच गया है और कोविड से अब तक 25,71,756 से अधिक लोगों की जान चली गई है।